शॉर्ट वेव डायथर्मी 500 वाट, ये हम आज आपको बताते हैं इसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये इस तरह की मशीन होती है, शॉर्ट वेव डायथर्मी। तो सबसे पहले हमने ये केबल्स लगा दी हैं और इसको हम यहाँ से, ये पहले देखना होता है सारे बंद होना चाहिए, इंटेंसिटी भी। ये अब हमने मेन ऑन किया है, ऑन करते ही हम टाइम सेट करते हैं। ये अभी इसमें साउंड हो रहा है, टाइम सेट करेंगे तो साउंड बंद हो जाएगा। ये इस तरह से हमने 5 मिनट का, इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये टाइम सेट कर दिया, उसके बाद हम यहाँ से वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं। ये वोल्टेज सेलेक्ट कर दिया हमने, और अब हम इसकी इंटेंसिटी ये 3 तक हमने इंटेंसिटी, और हमने ये पैड हैं इसके, ये साइड से यहाँ से कनेक्ट हो गए हैं, ये इसके पैड हैं। अब ये हीट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट वेव। अब इसको हम ये जैसे भी बॉडी में जहाँ पे भी लगाएंगे ये ट्यून करेगा यहाँ से, तो इसको हम कहीं पे भी बैक में, ये इस तरह के बैक पेन हो गया, सर्वाइकल शोल्डर हो गया, बॉडी में कहीं पर भी पेन है उस पर लगा सकते हैं। इसमें एक अलग ही वेव्स हमें फील होती है, इसके ऊपर हम जब टच रहता है हमारा हाथ तो हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये शॉर्ट वेव फील, इसकी फीलिंग होती है, इसमें वाइब्रेशन वेव्स निकलती है। ये शॉर्ट वेव डायथर्मी है टोटली पेन रिलीफ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं अक्सर उनके क्लिनिक में आपको ये मिलेगा, शॉर्ट वेव डायथर्मी। ये देख पा रहे हैं, ये इसके इस तरह के पैड होते हैं। पूरा डिटेल के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर चेक कीजिए।